push till I get up. Time is barely on our side. Assalamualaikum जी, वेलकम टू अफ्सा कुकिंग वर्ल्ड। कैसे हैं आप लोग? बहुत ही जबरदस्ती रेसिपी के साथ हाजिर हूँ मैं। तो जनाब, आज मैं बना रही हूँ थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी। आज मैं बना रही हूँ हैदराबादी मिर्चों का सालन, जो बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही यूनिक रेसिपी है। इंशाल्लाह आप लोगों को जरूर पसंद आएंगे। तो चलें जी, बनाना स्टार्ट करते हैं। मिर्चों को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है। फ्राई पैन में सबसे पहले यहाँ पर मैं मूंगफली, तिल और खोपरा, ये तीनों चीज़ें रोस्ट करूँगी। तीनों चीज़ों को स्लो आंच पे हल्के हल्के हाथों से रोस्ट करेंगे। देखिए जी, तीनों चीज़ें काफ़ी अच्छे से भुन रही हैं यहाँ पर। स्लो आंच पे, चूल्हा बिल्कुल तेज़ नहीं रखना है आपने, इसको स्लो आंच पर ही हल्के हल्के हाथों से करना है। चाहे तो आप पहले मूंगफली को अच्छी तरीके से कर लीजिए, उसके बाद तिल और खोपरा डाल दीजिए। तीनों चीज़ें हम वजन है, बहुत ज़्यादा नहीं है, 1 टेबल स्पून के करीब तीनों चीज़ें मैंने ली हैं यहाँ पर। देखिए जी, ये अच्छे से हो गया है। इसके बाद अब इसको साइड में रखते हैं और इसको ग्राइंड करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए जी, मूंगफली, खोपरा और तेल हमने यहाँ पर अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है, बहुत बारीक पीसा है हमने इसको। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो चलिए जी, यहाँ पर हमने एक पैन ले लिया है। पैन हमने चूल्हे पे रख दिया है। पैन में हमने कुछ भी यूज़ नहीं किया है, ना ऑयल लिया है, ना कुछ लिया है। यहाँ पर हम अदरक प्याज है, जो हम सिर्फ इसी तरीके से पैन में हल्के से सौते करेंगे स्लो आंच पे। प्याज हम हल्के से सौते करके, जो मसाला हमने ग्राइंड किया है उसी के साथ हम इसको ग्राइंड कर लेंगे पानी के साथ। तो ये एक बहुत अच्छे से हमारा पेस्ट बन जाएगा मिर्चों के सालन के लिए। ज़बरदस्त यूनिक सी रेसिपी, इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। आप लोग भी इस तरह की रेसिपी इसको ट्राई करते रहा करें, ताकि आप लोगों के घर का माहौल और खाने वालों के दिल खुश हो जाए। प्याज कितने अच्छे तरीके से हम सौते कर रहे हैं, हम इसमें ऑयल की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो आप लोग भी ऑयल इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। देखिए जी, यहाँ पे हमने प्याज को चलाइए तो सौते कर लिया है। इसमें ऑयल और पानी किसी चीज़ का यूज़ नहीं किया है। तो अब मैं इसको ग्राइंड करने लगी हूँ मसाले के साथ। ग्राइंड करके आप लोग को दिखाते हैं। तो ये देखिए जी, यहाँ पर हमने जो प्याज सौते के लिए है वो, और मसाले जो ग्राइंड किया था, मूंगफली, तिल और खोपरा, वो भी इसमें ऐड कर दिया। और 1 कप हमने इसमें पानी ऐड करा। तो अब इसको ग्राइंड करते हैं, उसके बाद मसाला बनाते हैं। जी, मसाला हमने ग्राइंड कर लिया है। और उसके बाद यहाँ पर हमने देखें हरी मिर्चें ले ली हैं। हरी मिर्चों में हमने इस तरीके से कट लगा लिया है, एक एक में सारी हरी मिर्चों में हमने अच्छे तरीके से कट लगा ली हैं। आपने इस तरह नहीं लगाने कि हरी मिर्चें टूट जाए, आपने बीच में से इसको कट लगा लेना है। इसके बाद यहाँ पर हम पैन में थोड़ा सा ऑयल डालते हैं, ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा ही डालेंगे, 1 टीस्पून के करीब ऑयल डालेंगे। जो हमारी हरी मिर्ची है वो इसमें डालेंगे। लेकिन इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है मिर्चों का, मिर्चों को ज़्यादा काला नहीं करना है, हल्का हल्का सा बस इसको ब्राउन सा करना है। देखिए जी, हरी मिर्ची जो हमने 1 टीस्पून में जो फ्राई करी थी, हमने इसको बिल्कुल लाइट से फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा इसको हमने ब्राउन नहीं करना है। बहुत अच्छा सा इसका कलर हो गया है। हम इसको साइड में रखते हैं और मसाले को तैयार करते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे पैन में, 1 टेबल स्पून के करीब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून के करीब हमने इसमें ऑयल ऐड कर दिया। इसके बाद हम यहाँ पे हमने जो एक लहसुन हमने चॉप करके रखा है वो इसमें ऐड कर दिए हैं। इसके बाद यहाँ पर हमने यहाँ पर 1/2 टीस्पून मेथी दाना और राई दाना लिया है, वो इसमें ऐड करते हैं। तरीके से भून लेंगे। इसके बाद जो यहाँ पर हमने अपना मिक्सचर बनाया था, जो मसाला पेस्ट बनाया था, वो इसमें ऐड कर देते हैं। इसके बाद इसमें 1 टीस्पून जीरा पाउडर ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी और लाल मिर्च ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। तो
देखिए जी मसाला हमारा हमने डाला था इसको काफी अच्छे से ये पक गया है और भुनने भी लगा है। अब इसको हम थोड़ा सा चम्मच से चलाते हैं इसको। यहाँ पर जो हमने हरी मिर्चों में कट लगा के इसको फ्राई किया था वो सारी की सारी हरी मिर्चें इसमें ऐड कर देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त। आप लोग इसको ट्राई करेंगे यकीनन आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा और आप लोग बहुत ही शौक से इसको खाएंगे। बहुत ही यमी सी अभी से लग रही है और तकरीबन ये पक चुकी है। बस इसको हम 5 मिनट के लिए इसके साथ और पकाएंगे हरी मिर्चों के साथ। इसको ढकते हैं और 5 मिनट के लिए छोड़ते हैं, तो इंशाल्लाह आप लोग को डिश सर्व करके दिखाते हैं। देखिए जी 5 मिनट हो गए हैं, 5 मिनट भी माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो गया है सालन। ज़बरदस्त हैदराबादी मिर्चों का सालन बिल्कुल रेडी है यहाँ पर हमारा, काफ़ी गाढ़ा भी हो चुका है।